नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन में आइए देखते हैं दिन भर की खबरें। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। ग्राम पंचायत जोराहा में एक विशाल दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें महिला पहलवानों की कुश्ती देखने के लिए बड़ी संख्या में क्षेत्र भर के दर्शक उमड़ पड़े। लगभग 20,000 की दर्शकों की संख्या ने इस पूरे दंगल का आनंद लिया। गौरतलब है कि दंगल का ये आयोजन पिछले कई वर्षों से लगातार चला आ रहा है, जिसमें धीरेंद्र सिंह अप्पू राजा जोराहा द्वारा इस पूरी आयोजन की जिम्मेदारी ली जाती है। इसमें दूर दराज के नामी पहलवानों ने भाग लिया, जिसमें महिला पहलवान भी शामिल हुई। पहलवानों के उत्साह वर्धन के लिए सबसे बड़ी इनाम राशि 51,000 रुपए भी रखी गई। इस मौके पर बिजावर विधानसभा के पूर्व विधायक पुष्पेंद्र पाठक, राजनगर विधानसभा के डॉक्टर घासीराम पटेल अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे, तो वहीं उपा त्रिपाठी बाबूराम सिंह, ज्योति अग्रवाल, धांदू सिंह, दीपक खरे सहित बड़ी संख्या में अनेक गणमान्य लोगों ने पहुंचकर पहलवानों का उत्साह वर्धन किया। हेलो, हमारे लगता है जनता हमारे बड़े भाइयों को समझ, हमें पुलिस प्रशासन की सहायता ना लेना पड़े। कहां से आप लोग? बनारस। ये दो महिला पहलवान बनारस से आई, इनका भी तालियों से स्वागत किया जाए। बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आई हुई महिला पहलवान हमारे बीच उपस्थित हो चुकी है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। जुलाई अगस्त के मौके पर पौधारोपण लगातार चल रहा है, और इसी तारतम्य में ब्राह्मण समाज की महिला विंग द्वारा मोटे के महावीर मंदिर परिसर में पौधारोपण किया गया। बड़ी संख्या में महिला पदाधिकारी भी इस मौके पर शामिल रही, जिन्होंने पौधारोपण कर प्रकृति को हरा भरा बनाने का संदेश दिया। आज हम लोग यहाँ पे सभी संगठित हुए हैं, महिला समाज की जितनी भी महिलाएं हैं, क्योंकि हम लोग का ये उद्देश्य है कि हम लोग छतरपुर को हरा भरा बनाएं, जिससे पर्यावरण को भी सुरक्षा मिले और हम सबको स्वास्थ्य लाभ मिलना चाहिए। और हम लोग यहाँ पे पौधारोपण करने के हिसाब से आए हैं। बस हम लोग अब छतरपुर को हरा भरा बनाना चाहते पूरी तरह से, और गरीब कन्याओं की विवाह करवाना चाहते, जो समाज के लिए हम लोग पूरी तरह से तत्पर हैं, जो भी बन सकेगा, चाहे विद्यार्थियों के लिए हो, चाहे गरीब कन्याओं के लिए हो, चाहे समाज की कुरीतियों के लिए हो, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। मैं संगीता उपाध्याय भोपाल से आई हूँ, प्रदेश महामंत्री हूँ ब्राह्मण समाज की। यहाँ पे आई हूँ तो मैंने यहाँ उषा तिवारी भाभी जी को जिलाध्यक्ष बनाया है, और यहाँ पे बोला है कि आप महिलाओं को एकत्रित करें, अपनी जितनी भी ब्राह्मण समाज की हैं, और ब्राह्मण समाज का अपना महिलाओं का विस्तार करवाएं। आज हम लोगों ने विशेष आयोजन वृक्षारोपण रोपित करने के लिए किया है। हमारी सभी महिला बहनें अपने अपने एक एक वृक्ष लेकर आई हैं, और उनको संभालने का दायित्व भी सभी ने लिया है कि इनको हमें जैसे अपने बच्चे को पालना है, इसी तरीके से हर वृक्ष को पालना है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। छतरपुर के हाई प्रोफाइल मामले का आखिरकार समाधान हो गया है। एक महिला अपनी दो बेटियों को हाथ में लेकर SP कार्यालय सहित तमाम विभागों के चक्कर काट रही थी। इस महिला का आरोप था कि उसके ससुराल पक्ष के लोग उसे रख नहीं रहे हैं, इस बात को लेकर कि उसके दो बेटियां पैदा हो चुकी हैं। सीता साहू नाम की यह महिला छतरपुर के सागर रोड पर रहती थी। पुष्पेंद्र साहू इस महिला का पति है। महिला के आरोप थे कि पुष्पेंद्र और उसका परिवार उसके साथ मारपीट करता है और बेटियां पैदा होने के कारण उन्हें घर में नहीं रखता। ये मामला जब मीडिया के माध्यम से कल सामने आया तो प्रदेश की सियासत भी इसकी हिस्सेदार बन गई। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस महिला के वीडियो बयान पर अपना बयान जारी कर कहा और मध्य प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने ऑफिशियल ट्विटर से भी अपना बयान जारी किया और इस महिला की पीड़ा को बताया। इसके साथ ही उन्होंने छतरपुर में मौजूद सीता साहू से फोन पर भी बात की।
जी साहब हम बहुत परेशान है, हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। हमारी बच्ची साहब, हमारी एक वीक बच्ची 6 साल की है साहब। उसके बाद हमारे घर वाला ने चेकअप करा के 8 महीना को उनको झांसी से वो भी खत्म करवाया। अब हमारी तीसरी बच्ची भाई सो हमें घर से बाहर निकाला साहब। हम कहाँ ये बता, हम फिर रहे थे भटकत, कोई गजू नहीं कर रहा। हम बच्ची भाई सो हम कहाँ करें उनके लाना साहब बता। सब जने साहब, हमारे ससुर जेठ पति देव सब जने मार मार के पाए साहब। पूरे घर के बिटिया होती समय दूसरी शादी करने अपने हाथ की चाय तो है नहीं, हम बेटा बना ले उके लाने। नहीं बेटी ऐसा करने हेलो जी साहब, हम ऐसा करते हैं प्रशासन से भी बात करते हैं, हम भी मदद करेंगे और परिवार से भी बात करते हैं आपके जी। भी कहेंगे कि ऐसा मत करो। मैंने आज छतरपुर जिले की बहन सीता के बयान को मीडिया में सुना है। तीन बेटियों ने उनकी कोख से जन्म लिया है और इसलिए वो थाने गुहार लगाने पहुंची है कि ससुराल वालों ने उनको घर से निकाल दिया। मैं सबसे पहले सीता के ससुराल वाले हमारे भाई बहनों से अपील करना चाहता हूं, बेटी पैदा होना कोई गुनाह नहीं है और बेटी के बिना ये सृष्टि चल भी नहीं सकती। केवल बेटी को जन्म देने के कारण बहू को परिवार से अलग ना करें और बेटियों की परवरिश के लिए अगर कोई दिक्कत और परेशानी है तो बेटी बचाओ अभियान के माध्यम से हम परिवार की पूरी मदद करेंगे। ये महिला सीता साहू छतरपुर के सिविल लाइन थाने में अपने परिवार के खिलाफ कार्यवाही के लिए सुबह से ही बैठ गई थी। जब इसकी जानकारी छतरपुर नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह को लगी तो वे मौके पर पहुंच गईं। इसके तुरंत बाद छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी को भी इसके विषय में जानकारी लगी तो वो भी थाने में पहुंच गए और पुलिस को सख्त हिदायत दी कि तुरंत सीता के परिवार वालों को थाने लाया जाए। जब तक इनके पूरे घर के लोग यहाँ आ नहीं जाएंगे मैं करवाऊंगा, समझ गए। देखते ही देखते सिविल लाइन थाने में नेताओं का जमावड़ा हो गया और साहू परिवार के दोनों पक्ष भी यहाँ पहुंच गए। आखिरकार बीच का रास्ता ये निकाला जाए कि इस टूटते परिवार को बिखरने से बचाया जाए। सीता साहू को भी समझाइश दी गई और उसके पति पुष्पेंद्र साहू को भी समझाया गया। दोनों पक्षों के माता पिता भी साथ में बैठे और उन्हें समझाइश दी गई। आलोक चतुर्वेदी, नगरपालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह, एडिशनल एसपी जयराज कुबेर, सीएसपी उमेश शुक्ला सहित शहर के कई लोग थाने पहुंचे और इस परिवार को समझाइश दी। आखिरकार थाने में चली 2 घंटे की मंत्रणा के बाद नतीजा सकारात्मक ही सामने आया। शहर में बहुत दिनों से ये पुष्पेंद्र और सीता के बीच में आपस में घर में साथ न रहने को लेके एक आपसी मनमुटाव था और उस मनमुटाव को हम लोगों ने सबने मिलके पहले भी कई बार प्रयास किया कि ये अपने घर में अपने बच्चों के साथ अपने परिवार के साथ राजी खुशी रहें। और पूर्व में भी एक बार मैं इनके घर में इनको बिटिया को इसको सीता को पहुंचा चुका था और समझाया था, लेकिन साथ में रहने में घर में थोड़ी बहुत खड़बड़ाहट होती है, पुनः वो फिर बढ़ी। काफ़ी दिन से ये बिटिया घूम रही थी यहाँ सीता कि हमें हमारे घर भेज दिया जाए। आज बहू भी हमारी यहाँ, अर्चना सिंह जी भी यहाँ आ गई थी, मुझे भी जानकारी लगी, उस बिटिया ने मुझे भी फ़ोन कर पे बुलाया कि यहाँ आप चाचा आ जाओ और ये मेरी समस्या का निदान कर दो। एडिशनल साहब भी यहाँ थे, आप सब भी यहाँ हो। हम लोगों ने एक प्रयास किया है उस बिटिया को उसके घर पहुँचा रहे हैं और एक सकारात्मक सोच के साथ उसको उसके घर भेज रहे हैं कि जो हम लोगों ने ये पहल की है, पुष्पेंद्र भी उसमें सहमति दी है कि हमें साथ में रहना है, सीता ने भी सहमति दी है कि हमें साथ में रहना है, सास ससुर ने भी सहमति दी है कि हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है और भविष्य में हम इस बिटिया को अच्छे से अपने साथ में अपने घर में अपने साथ रखेंगे।
मैंने इन महिला से बात करी, उससे पूरी वस्तु स्थिति जानी। उसके बाद उसने पूरा मुझे बताया कि वो कह रही थी कि मुझे अपने घर पे रहना है, मैं अपने पैतृक घर पे रहना चाहती हूँ, अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। अच्छी बात ये थी कि जब पति को हम लोगों ने यहाँ बुलाया और पति से बात करी तो वो भी साथ में ही रहना चाहते थे, लेकिन कुछ गिले शिकवे थे जो हम लोगों के द्वारा यहाँ पर दूर किए गए। और हम लोगों ने उसको विश्वास दिलाया कि तुम कभी अब हमारी बिटिया हो, कभी भी कोई ऐसी समस्या हो तो हम लोगों से बात करना। और रही घर की बात, तो मैंने आवास योजना का घर भी उसको, मैंने कहा मैं अभी चाबी दे रही हूँ तुमको, अगर अभी दोनों को अलग रहना है तो मैं उसका भी इंतजाम करती हूँ, लेकिन बच्चियों को अपने माता पिता का प्यार मिलना चाहिए, तुम्हारा घर नहीं टूटना चाहिए। लेकिन इस पर उसने मुझे बोला कि मैं अभी अपने पैतृक घर में रहना चाहती हूँ, अपने सास ससुर के साथ और अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। तो हम लोग ने इस बात को मानते हुए और उसकी बच्ची की भी पढ़ाई का खर्चा, चूँकि हम लोग जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर काफ़ी काम कर चुके हैं, और बिटिया के लिए संवेदनशील होते हुए हम लोगों ने इस बात का निर्णय लिया कि जो उनकी बिटिया है उसका पढ़ाई का खर्चा भी हम देंगे। विधायक आलोक चतुर्वेदी और नगरपालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह के साथ पुलिस प्रशासन की भूमिका से ये दोनों पक्ष एक साथ रहने के लिए राजी हो गए और फिर खुशी खुशी अपने घर गए। चाचा भाभी जी अर्चना सिंह आए, पंचन चाचा हुए, समझौता हुआ है 10 दिन का, जी अच्छे से रहेंगी तो अच्छे से रहेंगी, 10 दिन बाद नहीं तो किराए के मकान में हमारे साथ चलेंगी, घर में अगर लड़ाई होगी तो हमारे साथ किराए के मकान में चलेंगे जी। विवाद इसके बाद कहें कि मम्मी इनको भर देती हैं, वो लड़ाई करवाती हैं सबसे ज़्यादा, इनकी मम्मी हमारे यहाँ नहीं आई ना कोई मतलब रखेगी। अभी हाल दोनों राजी हैं, अभी हाल तो राजी हैं, अगर जी दिक्कत देंगी तो हमारे साथ चलेंगे जी किराए के मकान में। तो भाव अगर ये दिक्कत है तो जी हमें बिटिया दे दें, हम इसकी पूरी जवाबदारी हम खुद ले रहे हैं बिटियों का। आप संगे रहे तो अगर जी कहते हैं दिक्कत है तो हम पूरी दिक्कत ले जवाबदारी बिटियों की हम ले रहे हैं। एक बार पहली बार समझौता किया था इन बिटियों की, इससे हमारी व्यवस्था से हमें अच्छे से अब है तो हम संतुष्ट हैं, लेकिन हमारी पूरी व्यवस्था कर। भरोसा है तुम्हें कि नहीं है? भरोसा है, पे है भरोसा जी, हमारे पापा जी हैं मम्मी। अब आपका सीता साहू नामक महिला है, ये मामला आज का नहीं है, और जो बात आ रही है कि बच्चों के वैसे नहीं रख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये लगभग एक वर्ष से इनमें फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है और इसमें समय समय पर प्रकरण पंजीबद्ध हुए, अदालत में भी मामला चल रहा है। ये आपस में जो पारिवारिक विवाद होता है उस तरह का विवाद है, सास बहू में के बीच में ना बनना, झगड़ा करना और बहू को उसकी माँ के द्वारा गाइड करना, इससे परिवार में आपसी कलह बनी रहती रही, ये इस टाइप का मामला है। कल भी इनमें आपस में झगड़ा हुआ, उसमें पुलिस ने पकड़ पंजीबद्ध किया है और पूर्व में भी इनको समझाइश दी गई, आज भी इनको बुला करके काउंसलिंग की गई, इसमें दोनों पक्ष राजी हुए साथ में घर रहने के लिए। पति सदैव ये चाहता रहा कि वो बच्चों के साथ में अपनी पत्नी के साथ में रहे, महिला की जिद थी कि वो उसी घर में रहे जो उसका ससुर का घर है, क्योंकि सास से झगड़ा होता था, पति ये कहता था कि हम बाहर इंडिपेंडेंटली किराए के मकान में रह सकते हैं, लेकिन महिला की जिद थी कि घर में ही रहे, तो सबको द्वारा उसको समझा दे के और ये तैयार हुए हैं कि समय पर साथ में रहेंगे और पुलिस के द्वारा भी समय समय पर उनकी खैर खबर ली जाती रहेगी और लगभग प्रतिदिन पूछा जाएगा कि सब खैरियत से हैं और ये सुनिश्चित है उनको और भी जो भी मदद जरूरत होगी वो भी मदद कराई जाएगी। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। छतरपुर जिले की सड़कों पर मौजूद गड्ढे इन दिनों लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। आए दिन इन सड़कों पर न सिर्फ हादसे हो रहे हैं बल्कि सड़कों में मौजूद गड्ढों के कारण हाईवे पर दिन भर जाम भी लगता है। छतरपुर के जवाहर रोड पर तो हालात ऐसे हैं कि पता ही नहीं लगता कि सड़क में गड्ढा है या फिर गड्ढों के बीच सड़क बची खुची रह गई है। इन सड़कों की हालत के कारण स्थानीय लोग बुरी तरह परेशान हैं और इन परेशानियों को अब उन्होंने छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी के सामने रखा। छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने सड़क की इस समस्या को लेकर NHAI के अधिकारियों को 3 दिन में सड़क ठीक कराने का निर्देश जारी किया है। संज्ञान में ये बात लाई कि शहर की सड़कों में तमाम गड्ढे हैं और शहर में तमाम परेशानी है लोगों को निकलने में और काफ़ी बड़े गड्ढे हो गए हैं। NHAI के बालचंद्रन जी को बोला है कि 3 तारीख तक ये पूरे शहर के रोड जो NHAI के अंतर्गत आते हैं इसे दुरुस्त करें, हो सकता है एक आध दिन आगे पीछे, लेकिन ये जल्द से जल्द 3-4 तारीख तक आपके रोड शहर के अपने शहर के रोड दुरुस्त हो जाएंगे। अगर ऐसा लगे तो आप मुझे पुनः बताएं, मैं उनको
सख्ती के साथ उसमें उनसे कार्रवाई कराऊंगा और इसको तैयार जल्दी से जल्द तैयार कराऊंगा। नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। छतरपुर के होटल और रेस्टोरेंट इन दिनों बदनाम हो रहे हैं। छतरपुर के लोगों का कहना है कि छतरपुर के कुछ होटल और रेस्टोरेंट में नए लड़के और लड़कियों को बैठाने के लिए प्राइवेसी दी जा रही है और बंद केबिन दिए जा रहे हैं। होटल रेस्टोरेंट में मौजूद ये केबिन लड़के लड़कियों के लिए अश्लीलता के अड्डे बन रहे हैं और इनसे सामाजिक वैमनस्यता फैल रही है। पिछले दिनों एक अवैधानिक गतिविधि के चलते इन होटल और रेस्टोरेंट का जबरदस्त विरोध भी हुआ था। अब छतरपुर पुलिस ऐसे होटल रेस्टोरेंट कारोबारियों पर नकेल कसने में जुट गई है। एडिशनल एसपी जयराज कुबेर ने रविवार को छतरपुर के तमाम होटल और रेस्टोरेंट कारोबारियों के साथ बैठक की और उन्हें सख्त हिदायत दी कि होटल और रेस्टोरेंट में किसी भी तरह की अश्लीलता के लिए जगह ना दी जाए। उन्होंने कहा कि होटल में प्राइवेट केबिन और सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जा सकेंगे और किसी भी लड़के लड़की को छिपी हुई अवस्था में बैठाने की जरूरत नहीं है। इस बैठक में छतरपुर के तमाम होटल रेस्टोरेंट कारोबारी मौजूद रहे और उन्होंने पुलिस के साथ सहयोग करने की बात कही। शहर के रेस्टोरेंट और होटल संचालकों की मीटिंग आज बुलाई गई थी। जो अभी जो सूचना मिल रही थी कि होटलों में रेस्टोरेंट्स में प्रत्यक्ष केबिन बनाए गए हैं जिसमें लड़के लड़कियों को एकांत प्रोवाइड करते हैं, और अभी जो दबिश्ती की थी पुलिस द्वारा चेकिंग की गई थी उसमें कई होटल्स में ये देखने में आया था कि मुंह पर कपड़ा बांधकर बालक बालिकाएं बैठे हुए हैं। तो उनको ये कहा गया कि कोई भी जो उनके यहाँ कस्टमर्स आते हैं उनको ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी मुंह पर कपड़ा बांध कर ना बैठे। कोई भी अगर आता है तो वैधानिक तरीके से मुँह खुल कर बैठें, जो भी रेस्टोरेंट में जो भी सामग्री को उपभोग करना है वो उपभोग करें, और कोई भी ऐसी सूचना मिलेगी कि होटल में केबिन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं अलग अलग राशि पे तो उनमें नगर पालिका के साथ मिलकर उसमें कार्रवाई की जाएगी। हाँ माँ, कोमल कैसी है? बोर हो रही है बेचारी। अच्छा, तुझे याद है ना तेरे पिताजी का रिटायरमेंट है तो तू आ रहा है ना? नहीं माँ, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। लेकिन बेटा। नहीं नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगा। बेटा शाम को चलते हैं घूमने। दादू के ऑफिस का आखिरी दिन। माथुर जी, अब तो आराम से कटेगी जिंदगी। हाँ क्यों नहीं, माथुर साहब का एक ही तो बेटा है। वो मेरे साथ नहीं रहता, पोती जरूर आई है लेकिन दो एक दिन बाद वो भी चली जाएगी। शाम को घूमने चलेंगे बेटा। बाबूजी पहुंच गए। दादू, आपका ही नाम है? बंधन बंधा है ये एक ऐसी डोरी से, टूटेगा ना छूटेगा किसी भी दूरी से। ऐसा रिश्ता है हमारा, ये वादा है हमारा। ऐसा रिश्ता है हमारा, ये वादा है नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। गढ़ी मलहरा थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम पड़वाहा में मुखबिर की सूचना पर एक पेटी देशी अवैध शराब जब्त की गई है।
इस शराब की कीमत 3500 रुपए बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक अजय अहिरवार नाम का शख्स एक पेटी शराब लेकर अवैध रूप से परिवहन कर रहा था। इसकी सूचना मुखबिर के द्वारा मिली और गढ़ीमलहरा थाना पुलिस ने शराब जब्त कर ली है। सर क्या नाम है? मेरा नाम है एसआई केएल अहिरवार। सर क्या घटना हुई है, पकड़ा गया हिदारू को पकड़ी गई? टीआई साहब के साथ थे हम लोग भ्रमण में जी, कस्बा में देहात जी। सूचना मिली थी मुखबिर से कि एक आरोपी दारू अवैध शराब मुक्ति धाम। आरोपी कौन है सर? अजय अहिरवार फड़पा। कितनी सर शराब पकड़ी गई है? 50 पॉट फड़वा। हाँ फड़वा नहीं फड़वा। सर कितनी शराब पकड़ी गई है? 50 पॉट। इसकी कीमत कितनी आकी जा रही है? मसाला है 3500। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। ईशानगर के पहाड़ गांव में एक बुलेरो और टैक्सी के बीच में भिड़ंत हुई थी जिसमें दो लोग घायल हो गए थे। इसके बाद घायलों के समर्थन में आई हुई भीड़ ने बुलेरो ड्राइवर के साथ मारपीट कर दी और उसके खिलाफ मुकदमा भी लिखा दिया गया। चार दिन बाद जैसे ही ड्राइवर को इस बात की जानकारी मिली कि उसके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है, वो भी थाने पहुंचा और उसने वहां पर विवाद करना शुरू कर दिया कि उन लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाए जिन लोगों ने उसके साथ मारपीट की थी। थाना प्रभारी ने बताया कि हरिराम अहिरवार उर्फ पप्पू द्वारा बुलेरो से टक्कर मार दी गई थी जिसमें दौलत और गजेंद्र सिंह घायल हो गए थे। इसके बाद उनकी कहने पर हरिराम के खिलाफ रिपोर्ट दिखाई गई, लेकिन इसके बाद हरिराम ने कहा कि उसके साथ गांव के लोगों ने मारपीट की है और उन लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो उनकी टैक्सी को तो कोनो नुकसान नहीं भाव, हमारी गाड़ी को कम से कम 1-1.5 लाख को नुकसान। ठीक है, इसके बाद हमारा और टैक्सी वाले को कोनो विवाद नहीं है। हम दो ही आपसी में समझौता करने लगे। इतने बीच में मतलब होते काफ़ी भीड़ जोन लगी तो होते मतलब गांव के राजा साहब हैं आ गए। राजा साहब हैं आए तो इतने बीच में हमारे रिश्तेदार आ गए। तो रिश्तेदार आए तो बोले भैया जी को आए तुम्हारा, तो बोले हमारा सारवा। अरे बोले तो सो बस जितने राजा साहब हैं आए बोले मारो हमें। सो जितने जने आए सब जन ने हमें मारो, हमारे रिश्तेदार नन हमारो। और आज भी जाए स्थिति है कि हमारे रिश्तेदार नन होते घर से बाहर नहीं निकल दो जा रहा हो। सब जने जा धमकी दे रहे कि यदि अगर तुम घर से बाहर निकली तो कूट का हाउ ये कूट की खम्मा से बांध के मार मार के इतने डाल दें। यहाँ 26 अगस्त को हरिराम अहिरवार के साथ पहाड़ गांव के कुछ ठाकरों ने मारपीट की थी। क्या कारण ये था कि एक गाड़ी का जो है एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में एक रैकवार की गाड़ी थी, एक अहिरवार की गाड़ी थी। तो ये जैसे ही गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ दोनों ने मिलकर गाड़ियों को सही किया, सीधा किया। इसके बाद उस गाँव में का एक ठाकुर है, उसका नाम मुझे मालूम नहीं है, उसने जो है जैसे ही सुना कि ये अहिरवार है, अहिरवार की गाड़ी है, क्योंकि जिसका गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था हरिराम अहिरवार का, उसकी वहाँ बहन भी आई है। तो जैसे ही उसके बहनोई को पता चला, वो बहनोई भी वहाँ आ गया, उनने कहा भैया क्या हो गया? तो उनने ठाकरों ने कहा ये कौन है? तो बोले ये हमारा साला है। तो जैसे ही उनने कहा अच्छा इसके माने ये अहिरवार है, ये इतना सुनते ही गाँव के ठाकरों ने इकट्ठा होकर बहुत बुरी तरह से मारपीट की इसकी। हम ये चाहते हैं कि 26 तारीख की घटना है, 26 तारीख से आज तक पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध FIR दर्ज नहीं किए। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ, पूरे अहिरवार समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं 100-150 यहाँ लोग इकट्ठा है। हम सभी ये चाहते हैं कि आज इस पर SC ST एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए। दिनांक 26/8/19 को हरिराम और पप्पू अहिरवार निवासी ईशानगर ने अपनी बुलेरो गाड़ी से पहाड़ गांव में एक टैक्सी वाले को टक्कर मार दी थी जिससे दौलत रैकवार और गजेंद्र सिंह ठाकुर को चोटें आई थी। मौके पर भीड़ इकट्ठी हो गई थी जिसने भीड़ के द्वारा हरिराम के साथ धक्का मुक्की कर दी थी। आज वो लोग हरिराम अहिरवार पर एक्सीडेंट का मुकदमा कायम हो गया था, तो मुकदमा कायम का पता चलने पर आज हरिराम अहिरवार लोगों को लेके आया था कि मेरे साथ मारपीट हुई उसका मुकदमा कायम किया जाए। चूंकि मारपीट भीड़ के द्वारा हुई गई इसलिए जांच का विषय है, तो जांच में लिया गया। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। सटई संकुल के अंतर्गत आने वाले शासकीय प्राथमिक शाला नंदगांव के शाला प्रभारी के रिटायर होने पर उन्हें स्कूल स्टाफ द्वारा भावभीनी विदाई दी गई। इस मौके पर संकुल प्राचार्य भी मौजूद थे। संकुल प्राचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि नंदगांव के शाला प्रभारी लखनलाल पाठक इस स्कूल में ही पदस्थ हुए थे और अब उनकी सेवा निवृत्ति भी इसी स्कूल से हो रही है। संकुल प्राचार्य RP शुक्ला ने उन्हें फूल माला पहनाकर उनको विदाई दी गई। इस मौके पर स्कूल का स्टाफ मौजूद रहा। इस मौके पर लखन पाठक ने कहा कि शिक्षा
ही उनकी पहली प्राथमिकता रही और बच्चों को जागरूक करने का काम उन्होंने सदा किया है। ये श्री लखन लाल जी पाठक यहाँ पे शिक्षक रहे और आज वो रिटायर हुए। उनका पूरा शासकीय काल यहीं पे गुजरा है, यहीं पे ज्वाइन है और यहीं से रिटायरमेंट पूरे संकुल के लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया है। बहुत ही विराट आयोजन उनके द्वारा हुआ है। यहाँ के जो आयोजक हैं इस कार्यक्रम को उन्हें मैं बधाई देता हूँ। क्योंकि आदरणीय पाठक जी बहुत जिम्मेवार शिक्षक रहे, उन्होंने शिक्षा विभाग को अच्छी सेवाएं दी, तो जैसे ही मुझे पता लगा कि पाठक जी का आज विदाई समारोह है लोगों ने बताया तो मैंने यहाँ आना उचित समझा और उनके सम्मान में आना महत्वपूर्ण। सेवानिवृत्त होने पर आदमी को बहुत स्वतंत्रता सी महसूस होती है। अभी तक जो हम अपने कर्तव्य में लगे हुए थे वो पूरा करेंगे। अपनी जिंदगी में जो सत्कर्म हैं और सत्कार्य हैं उनकी ओर आगे बढ़ेंगे, समाज की सेवा करेंगे और सामाजिक कार्य करेंगे। इसमें जितना हमारा सहयोग होगा उतना से ज़्यादा सहयोग करेंगे। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। खजुराहो के सरस्वती शिशु मंदिर में श्री कृष्ण वेशभूषा और नृत्योत्सव की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस मौके पर 10वीं तथा 12वीं कक्षा में अच्छे नंबरों से पास हुए छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में भगवान कृष्ण के सुंदर वेशभूषा में तैयार नौनिहालों को निर्णायकों ने मूल्यांकन के आधार पर पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में स्वेच्छा शुक्ला एंड ग्रुप तथा गंगा दीक्षित के ग्रुप डांस ने लोगों को रोमांचित किया। अतिथि के तौर पर नारायण सिंह, मामा गाइड प्रणव प्रताप सिंह चंदेल, मोहन रजक, रज्जू राजा सिंह चौहान तथा अनुपम गुप्ता उपस्थित रहे। वहीं संस्था के व्यवस्थापक महेश अग्रवाल, अध्यक्ष हरिनारायण अवस्थी, प्राचार्य रणमत शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। क्या बात है, कार में दिक्कत है? सर्विस भी पूरी हो चुकी है, आखिर लाखों की चीज किसके जिम्मे सौंपे? तो भाई एक नाम, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस एनी कार सर्विस। यहां पाएंगे सभी ब्रांड कारों की सर्विसिंग और 50 पॉइंट पर जनरल चेकअप, सभी ब्रांड्स के ओरिजिनल पार्ट्स का सर्विसिंग में प्रयोग, लेबर चार्ज डीलरशिप से 25% तक कम, बैलेंसिंग और 3D अलाइनमेंट की सुविधा, संपूर्ण सुविधा युक्त बॉडी शॉप में सभी ब्रांड्स की कारों का ओरिजिनल कलर कोडिंग से पेंटिंग और डेंटिंग कार, आधुनिक वैक्यूम मशीन द्वारा वैक्यूम क्लीनिंग और अलग वॉशिंग सेक्शन, सभी बीमा कंपनियों से एक्सीडेंटल रिपेयरिंग कार हेतु टाइप, सभी बीमा कंपनियों की पॉलिसी रिन्यूअल और पॉलिसी की सुविधा, एक्सीडेंटल रिपेयरिंग कार में कैशलेस सुविधा और आवश्यकता अनुसार कार के पिकअप और ड्रॉप की व्यवस्था। तो भाई चिंता किस बात की, आपकी कार में कुछ भी परेशानी है, फर्स्ट चॉइस आइए और चिंता से मुक्ति पाइए। हम आपको देते हैं सप्ताह के सातों दिन सर्विस की व्यवस्था। हमारा पता है अबीर ऑटो स्पेयर्स एंड सर्विसेज, जवाहर पेट्रोल पंप के पीछे, जवाहर रोड, छतरपुर। खबर दिनभर में आप देख रहे थे दिनभर की खबरें। जिले भर की खबरें लगातार हर घंटे देखने के लिए बने रहिए पेप्टिक टाइम पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।